नौवीं जमात दे प्यारे बच्चो, कल असी वार्तक भाग का दूजा पाठ गली विच पढ़िया सी, जिस दा सार तुहानू कापियों उपर लिखन अते याद करन लई दिता गया सी। बच्चो, इस सार दे विच किसे पिंड दी गली दा जिक्र किया गया सी, जिथे वार वार कदे छाबड़ी वाला आउंदा है, कदे कोई वंजारा आउंदा है, ते कदे कोई पंडित पांधा आउंदा है। तां बच्चो, अज असी इस पाठ दे प्रश्न उत्तर करांगे। पहला प्रश्न है, शरदा राम फिलोरी ने किसी छाबड़ी वाले जां किसी वंजारे दे आउण ते गली दा दृश्य किस खूबी नाल चित्रिया है? भाव जदों गली दे विच कोई छाबड़ी वाला आउंदा है, जिहड़ा पापड़ जां कोई होर चीज़ वेचदा है, जां वंजारा आउंदा है जिहदे तों कुड़ियां छापां छल्ले खरीददियां हन, जां कोई होर भी जिवें पंडित आउंदा गली विच, उहदा दृश्य किस तरह मतलब उन्हें पेश किया है? इहदा उत्तर है बच्चो, शरदा राम फिलोरी ने अज तो सवा कु साल पहलां दे पंजाब दी गली विच किसे छाबड़ी वाले जां वंजारे दे आउण नूं बड़े यथार्थक भाव एक जिउंदे जागदे रूप दे विच, असलीयत दे रूप विच ते सजीव रूप विच चित्रिया है। भाव जदों असीं इस पाठ नूं पढ़दे हाँ तां जिहड़ा उस समें दा गली दा दृश्य है उस नूं असीं अखां दे सामने महसूस करदे हाँ भी किवें उत्थे वख वख समें ते समान वेचण वाले आउंदे आ ते किवें औरतां उहनां दे नाल गल्लां बातां करदियां ते किवें समान खरीददियां। इन्हां दृश्यां नूं साकार रूप देण लई मतलब उहनां नूं एक सही रूप देण लई लेखक ने यथार्थक घटनावां मतलब सच्चियां घटनावां शब्द चित्रां शब्दां राहीं भी उहनें दृश्य नूं पेश कीता। कुड़ियां औरतां ते बुढ़ियां दे जिउंदे जागदे ते कुदरती पात्रां अते छोटे छोटे चुस्त वार्तालाप तों काम लिया है। उन्हें वो कुड़ियां औरतां ते बुढ़ियां दे जिहड़े पात्र चित्र जिहड़े पेश कीते है बच्चे वो सानू जिउंदे जागदे लगदे है ते उन्हां दी जिहड़ी आपसी वार्तालाप है आपसी गल्लबात है वह भी बड़ी ही चुस्त लगती है। तो उन्हां दीआं गल्लां बातां तों ते जिहड़ा दृश्य पेश कीता गया है उन्दे तों असीं गली वाले दृश्य नूं एक सार्थक रूप दे विच आपदियां अखां सामने महसूस करदे हां। दूजा प्रश्न है बच्चो, पांडा भोलियां भालियां औरतां नूं किवें वरगला के लुटदा है, मतलब किवें उन्हां नूं भुलेखे पा के उन्हां नूं धोखे विच रख के किवें लुटदा है? पांडा जिन्हां नूं असीं पंडित भी कहिंदे हां। इसका उत्तर है, पांडा भोलियां भालियां औरतां नूं लुट्टण लई हत्थ विच पत्री फड़ के आउंदा है, पत्री फड़ के जिहदे तों उह लोकां दे लेख वेखदा है, उहनां दीआं जन्म पत्रियां नूं पढ़दा है ते खुशामदी तरीके नाल मतलब उहनां दी बड़ी चापलूसी करके उहनां नूं ऐ कह के भी तुहाडा तां बड़ा घर बार बहुत वधिया है, तुहाडा भविख बहुत वधिया है, इस तरह दीआं खुशामदी तरीके दी वरतों दे नाल इस्त्रियां दा ध्यान अपने वल खिंचदा है। फिर उहनां दे हत्थ वेखदा है ते भविख बारे दसदा होया किसे नूं कहिंदा भी तेरे पुत्तर दा विआह जल्दी हो जाएगा, किसी नूं गुआंढण बारे भी तेरी गुआंढण बहुत माड़ी है तेरे बारे बहुत माड़ा सोचती है, किसी नूं भरा दी कुड़माई बारे ते किसी नूं किस्मत विच धन दे होण बारे दस के उन्हां तों छापां छल्ले चादरां कुड़ते चांदी ते तेल आदि लुटदा है। तीसरा प्रश्न है बच्चो, मन चंगा ते कठौती विच गंगा अखाण दा की भाव है? इहदा उत्तर है भी इस दा भाव है कि जदों बंदे दा मन चंगा होवे उहदे मन विच कोई भी मैल ना होवे किसे लई भी किसी भी तरह का माड़ा विचार ना होवे तां सारे तीर्थां दा फल है जिहड़ा घर विच ही प्राप्त हो जांदा है ते फिर तीर्थां उत्ते जाण दी कोई लोड़ नहीं रहिंदी। तां बच्चो, इह गली विच पाठ दे तीन प्रश्न है, इहनां नूं तुसीं आपदी कापी उपर लिखना है ते याद भी करना है। धन्नवाद बच्चो।